नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज जो हम खबर लेकर के आए हैं वो बेहद ही बड़ी खबर है। दरअसल राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया है। राहुल गांधी माफी मांगो के लग रहे हैं नारे। काफी समय से राफेल का मुद्दा गरमाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के साख को क्षति पहुंचाता हुआ यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर दस्तक दे गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के गली गली तक गए और राजनीतिक मुद्दा बना दिया। दूसरी ओर बीजेपी हमेशा ही इस मामले पर खुद को निर्दोष कहती रही। इसके बाद मामला जब देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पहुंचा तो लंबी सुनवाई के बाद आखिर फैसला मोदी सरकार के पक्ष में आया, जिसके बाद संसद भवन में जमकर के हंगामा शुरू हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले को बिल्कुल साफ सुथरा करार देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि इस विषय पर कोई संदेह नहीं है, राफेल खरीद की प्रक्रिया में भी किसी तरीके का कोई खोट नजर नहीं आता। इसके अलावा यह कहा गया है कि राफेल देश के हित के लिए जरूरी है, इसकी गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं है। तमाम बातों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, मोदी सरकार के पक्ष में। इसके बाद यह मुद्दा संसद भवन में पहुंच गया और गरमाया। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जब कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी तो इसके तुरंत बाद संसद भवन में हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी भी शुरू होने लगी। बीजेपी के नेताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी माफी मांगे। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री पर राफेल विमान की कीमतों को लेकर के बड़े आरोप लगाए हैं और लगातार लगाते आ रहे हैं। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामला शुरुआत से ही क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था। हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे और राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस तरीके के आरोपों का प्रयोग किया गया, देश की जनता को गुमराह किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब इस मामले पर पूरी तरीके से चर्चा बंद होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, इसकी खरीद में कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसका फैसला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने किया था। बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से, कुछ लंबे समय से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के ऊपर राफेल डील को लेकर के हमले कर रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के कमजोरी पे नहीं, उनके मजबूती पे हमला कर रही है। जी हाँ, करती आ रही है। दरअसल राजनीति में देखा गया है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के कमजोर उनका जो पॉइंट होता है, जो चीजें होती है, उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मजबूत वाले जगह पे ही प्रहार किया, अर्थात कि मोदी सरकार अपने आप को बिल्कुल भी स्कैम से बाहर वाली सरकार बताती है, ऐसा सरकार बताती है जो कोई भी स्कैम ना करने वाली सरकार हो। घोटाला करने में माहिर कांग्रेस के ऊपर वो लगातार मोदी सरकार आरोप लगाती है और खुद को इस चीज को साबित किया कि वो एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो किसी भी घोटाले में, घपले में शामिल नहीं होती। ये मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी मजबूती मानी गई। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उनके इस दावे को झुठलाते हुए उनके ऊपर लगातार राफेल डील का हमला करता रहा, वो करते रहे, और आखिरकार कोर्ट ने यह कह करके उनके इस सारे दावे को फेल कर दिया कि इस दावे में कोई दम नहीं है। राफेल डील बिल्कुल साफ सुथरा डील है। जिस तरीके से पिछले कुछ समय में राजनीति बदली है हमारे देश में, या जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो साफ लगता है कि हमारे देश की जो राजनीति है एक नए लेवल पे आकर के शिफ्ट हो गई है, और शायद आने वाले समय में हमें इस चीज को देखना और ज्यादा नया नहीं होगा। तो ये राफेल से जुड़ा एक बेहद ही अहम मुद्दा है दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा हुआ है। हो सकता है ये शायद कोर्ट के फैसले आने के बाद अब ये उल्टी हो जाए, यानी कि अब भाजपा इसको अपने पक्ष में करे,
आने वाला समय बताएगा कि क्या होती है दोनों सरकार की नीति। हमारी नज़र बनी हुई रहेगी, हम फिर से हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक बने रहें, देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।